Hi friends, Welcome to DC Full Computer Course in Hindi and you are watching New Creative Activity. आज मैं आपको बताने वाली हूँ What is WordPad? WordPad क्या होता है? मैंने Part 20 के वीडियो में Notepad++ के बारे में बताया है, यानी कि Notepad++ क्या है और इसके क्या-क्या uses हैं. अगर आपको Part 20 का वीडियो देखना है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं. अब मैं आपको वर्डपैड के बारे में बताती हूँ. वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर है जो विंडोज 95 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लगभग सभी वर्जन्स के साथ मिलता है. ये माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड से बहुत एडवांस्ड है. वर्डपैड फॉन्ट को बोल्ड बनाता है, फॉन्ट को वो इटैलिक, कलर्ड, सेंटर्ड एक्सेट्रा सभी तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें स्पेलिंग चेकर नहीं होता है और इसके साथ ही साथ पेजिंग से रिलेटेड वर्क में भी कमी है. लेकिन वर्डपैड नोट्स लिखने, लेटर लिखने और स्टोरी लिखने या फिर अलग अलग तरह के पीसी, टैबलेट और स्मार्टफोन में उपयोग के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है. तो ये डेफिनेशन है वर्डपैड बारे में. अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी जिससे कि आप देख सकते हैं वर्डपैड में और क्या क्या काम हम कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं. तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ वर्डपैड को कहाँ कहाँ से आप ओपन कर सकते हैं. पहला है सर्च बार. सर्च बार में आप वर्डपैड टाइप करें, देख सकते हैं आप वर्डपैड आ गया यहाँ पे ऑप्शन. मैं वर्डपैड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, आप इसे सिलेक्ट कर लें. इंटर प्रेस करेंगे उससे भी सिलेक्ट हो जाएगा, उस पे जाके क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा. ये वर्डपैड का विंडो है. ये पहला तरीका हो गया. अब दूसरा तरीका है सर्च बार में जाएं और रन टाइप करें, इंटर प्रेस करें और ये ओपन जो दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आप वर्डपैड टाइप करें. इसमें कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, सभी लेटर स्मॉल रहना चाहिए और ओके करें. आप देख सकते हैं वर्डपैड का विंडो ओपन हो गया. ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया आपको. अब तीसरा तरीका, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहां से W को चूज करें और यहां से विंडोज एसेसरीज में जाएं. विंडोज एसेसरीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्डपैड दिखेगा, देख सकते हैं. इस पे क्लिक करें, ये वर्डपैड ओपन हो गया. तो अब मैं बताती हूँ वर्डपैड में आप ये विंडो में क्या क्या चीजें हैं. तो इसे टाइटल बार कहते हैं. ये अंडू बटन हो गया, ये रीडू बटन हो गया. मैंने पिछले वीडियो में बताया है अंडू बटन क्या होता है और रीडू क्या होता है. आप इसमें देख सकते हैं यहाँ टूल टिप आ रहा है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. अंडू का मतलब होता है कोई भी ऐसा लास्ट एक्शन, यानी कि कुछ भी आपने टाइप किया है और उसे आप चाहते हैं कि मैं इसे हटाऊं, या फिर कुछ कॉपी पेस्ट किया है आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आप अंडू कर लें. और मानिए अगर वो चीज आपने हटा दिया है, आप फिर से उसे लाना चाहते हैं, तो आप उसे रीडू कर सकते हैं. ठीक है, ये अंडू रीडू हो गया. और यहाँ पे सेव का भी एक आइकन बना हुआ है. और ये तो नोटपैड का है, ठीक है. ये डॉक्यूमेंट है, ये वर्डपैड है. तो ये डॉक्यूमेंट क्यों आ रहा है वो मैं बता देती हूँ आपको. चूंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट आ रहा है. अगर मैं इसे सेव करती हूँ और जिस भी नाम से सेव करती हूँ, तो डॉक्यूमेंट की जगह पे वो आपका नाम शो करेगा और ये वर्डपैड वर्डपैड रहेगा, क्योंकि वर्डपैड प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं. अब ये है फाइल होम व्यू, इसे मेनू बार कहते हैं. अलग अलग मेनू के अलग अलग रिबन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप फाइल का तो एक मेनू ओपन होगा पूरा. फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं इतना सारा आपका मेनू ओपन हुआ है. और फिर होम पे है, होम पे क्लिक करने से ये आपका रिबन दिखा रहा है. व्यू पे जाएंगे तो व्यू पे इस तरह का रिबन होगा, ठीक है. तो वो पहले होम का रिबन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होती है. देख सकते हैं आप, यह है पेस्ट, यह है कट और कॉपी. आप तो जानते ही हैं कट कॉपी पेस्ट क्या होता है. आप यहाँ से भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं,
किसी टेक्स्ट को अगर आपको कट कॉपी पेस्ट करना है तो उसे सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कट कॉपी पेस्ट का। ये है तरीका, ये फॉन्ट्स है, आप देख सकते हैं ये फॉन्ट यहाँ पे नीचे शो भी हो रहा है, ये पैराग्राफ्स है, यानी कि पैराग्राफ को आप किस इंडेंट में रखना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, किस अलाइनमेंट में, वो है प्लस इंडेंट है। और यहाँ पे है इंसर्ट, आप कहाँ से कौन सा पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई डेट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं। ये है एडिटिंग, यानी कि कोई भी वर्ड या टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर उसे फाइंड करके आप रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार में अपने पूरे डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होम करीबन हो गया। अब ये व्यू करीबन है, व्यू करीबन में ये रूलर हो गया, ये स्टेटस बार। तो रूलर क्या होता है देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने रूलर को अनचेक किया तो यहाँ से ये रूलर हट गया, इसे रूलर कहते हैं। ये टैब सेटिंग होता है, जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं टैब सेटिंग करती हूँ तो ये कर्सर थोड़ा आगे से ब्लिंक करने लगेगा। इस तरह से आप टैब भी सेट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी वीडियो में, आप लास्ट तक देखें वीडियो। ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार क्या होता है तो स्टेटस बार देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% जूम का ये शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टेटस बार को अनचेक कर देती हूँ तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, यही होता है स्टेटस बार। अब क्या काम कर रहे हैं वो स्टेटस दिखाता है। जूम आउट, जूम इन, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से जूम इन कर सकते हैं यानी कि बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं यानी घटा सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में उसे शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे फ्री में बिना किसी परेशानी के डीसीए फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में सीखें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड करूंगी वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे और आप वहां से सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपने डीसीए कंप्यूटर कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल इसमें बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।